नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर ने उज्जैन में वर्ष 2016 में होने वाले सिंहस्थ के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। आदिम जाति कल्याण राज्य मंत्री हरिशंकर खटीक ने मंत्रालय में हुई बैठक में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। और मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ को मत्स्य सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सहकारी संस्था का अवार्ड प्राप्त होने की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मत्स्य विकास मंत्री अजय विश्नोई द्वारा दी गई। नमस्कार, एमपी लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और आइए खबरें देखें विस्तार से। नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा है कि वर्ष 2016 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए किए जा रहे निर्माण और विकास कार्यों में देरी करने वाले विभागों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जल संसाधन विभाग के कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। गौर आज भोपाल में सिंहस्थ कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मध्य प्रदेश में पिछले 9 साल के अरसे में चिकित्सा शिक्षा संबंधी जरूरी अधोसंरचना और सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। प्रदेश में इस अरसे में चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई। प्रदेश में जहां वर्ष 2002-03 में 9 चिकित्सा शिक्षा संस्थाएं थी, जो वर्ष 2012-13 की स्थिति में 27 हो गई। आदिम जाति कल्याण राज्य मंत्री हरिशंकर खटीक ने कहा है कि आदिवासी क्षेत्र में चल रहे निर्माण और विकास के कार्य समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने आदिवासी विकास विभाग की शिक्षा संस्थाओं में पात्र बच्चों का प्रवेश 100% किए जाने के लिए भी कहा। हरिशंकर खटीक आज मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। भोपाल जिले में संविदा वर्ग 1 और 2 के नवीन नियुक्ति आदेश नियुक्ताकर्ता अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी कर दिए गए हैं। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति संविदा वर्ग 1 और 2 पर की गई है, वह निर्धारित समय अवधि में कार्यभार ग्रहण करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग केवल शासकीय हित में ही करें, ये निर्देश आयुक्त उच्च शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने आईटी एक्ट का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। विभाग द्वारा प्रदान किए गए प्रत्येक कंप्यूटर की आईपी एड्रेस अलग अलग है, इससे कंप्यूटर में देखी गई वेबसाइट की रिकॉर्डिंग की जाती है। कंप्यूटर का पासवर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ को देश में मत्स्य सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सहकारी संस्था का अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह अवार्ड हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा आयोजित समारोह में पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल द्वारा प्रदान किया गया। मत्स्य विकास मंत्री अजय विश्नोई ने आज विभागीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर अवार्ड की जानकारी दी। एमपी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए ईएमएस टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।